एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ व्लॉग्स विद मेघा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रुमाली रोटी की रेसिपी। बहुत ही अच्छी आपकी इस रेसिपी से रुमाली रोटी बनेगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं रुमाली रोटी बनाना। मैंने ये एक कटोरी ली है, दो कटोरी में मैदा डालूंगी। देखिए, दो कटोरी मैंने मैदा डाल दिया है और ये एक कटोरी गेहूं का आटा है। ठीक है, आप जो भी आप सिंपल पूरे मैदे की भी बना सकते हैं, पूरी गेहूं के आटे की भी बना सकते हो, और आधा मैदा और आधा गेहूं को आटे की भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप चाहें आप वैसे ही रुमाली रोटी बना सकते हो। ठीक है, मैंने दो कटोरी मैदा लिया है और एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ठीक है, कभी कभार हम मैदे वाली भी बना सकते हैं, है ना। हर रोज़ तो नहीं बनाते लेकिन कभी कभार तो अगर चलता है, कभी कभार तो मैदा, है ना। तो मैंने दो कटोरी मैदा लिया है और एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ठीक है, अब एक चम्मच नमक लूँगी, ये भी इसमें डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिला लूँगी। ऐसे अच्छे से हम इनको मिला लेंगे सबको। देखिए, ऐसे हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मोन लगाना है या कुछ, बस 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे अच्छे से इनको भी हम मिला लेंगे। देखिए, ऐसे सारी जगह अच्छे से मिला लेंगे। मैंने ये वॉर्म मिल्क लिया है। वॉर्म लेना है मतलब हल्का गर्म दूध लेंगे। ठीक है, और इसको हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और डो तैयार करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मतलब हार्ड वगैरह डो नहीं तैयार करना, हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट डो तैयार करना है। अच्छे से हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध डालना ही ज़रूरी है इसमें, रुमाली रोटी में, तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है रुमाली रोटी का। तो दूध से ही आप ये आटा गूंदना, इसका आटा लगाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये 1 गिलास पूरा दूध डाला था और आधा गिलास और लिया था। अभी मैंने इतना बचा हुआ है, ये भी डाल दूंगी। देखिए, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसा ही लगा हुआ है। अभी अभी हम इसको और सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सॉफ्ट ही आटा लगाएंगे रुमाली रोटी का। ठीक है, थोड़ा और दूध डालकर इसको थोड़ा सॉफ्ट हम गूंदेंगे। ठीक है, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सॉफ्ट रखना है आटे को, थोड़ा और दूध डालना है। मतलब टोटल मेरा ये 1.5 गिलास दूध लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा दूध डाल दिया, 1.5 गिलास का 1.5 गिलास। ये थोड़ा ऐसा देखिए कितना सॉफ्ट सा आटा हो गया है। हम इसको गूंदते जाएंगे तो ये सारा दूध साथ में आ जाएगा और आटा भी साथ में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको हम बस ऐसे ही गूंदते जाएंगे। ठीक है, इकट्ठा करते जाएंगे, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि इसको ऐसे आगे पीछे ऐसे करना है, इससे ना रुमाली रोटी थोड़ी खींची खींची होती है ना, रबर जैसी थोड़ी खींची खिंचाव आता है उसमें, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए, ऐसे आगे पीछे लेकर जाना है जिससे ये अच्छे से इसमें खिंचाव आ जाए इस आटे में। तो इसको ऐसे ही हम करते जाएंगे, थोड़ी देर तक करते जाएंगे, 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसको गूंथते जाएंगे आगे पीछे करते हुए। ऐसे देखिए, ऐसे अब मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए गूंद लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1-2 चम्मच। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, ऑयल डालने से ये सारा साथ में आ जाएगा। तो हम ऐसे ही आप 1-2 चम्मच ऑयल डाल लेना और फिर इसको गूंदना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, थोड़ा सा हाथ में लगा लेंगे ऐसे। अब ये आराम से ऑयल लगाने से आराम से हमारे हाथ में आ जाएगा और ये जितना भी चिपका हुआ है सारा साथ में आ जाएगा। बस ऐसे ही ऑयल डाल डालकर इसको, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 1-2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऐसे ही हम इसको गूंदेंगे। फिर ये सारा साथ में आ जाएगा। देखिए, साथ में आना शुरू हो गया ना, बस ऐसा ही आपने इसको करना है। देखिए फ्रेंड्स, 1-1, 2-2 चम्मच ऑयल डालना है, मतलब टोटल मुझे लगता है 5 चम्मच मैंने ऑयल डाला होगा बाद में ऊपर। और ऐसे ही देखिए सारा इकट्ठा हो गया है, बस ऐसे ही आप भी करना। सॉफ्ट आटा चाहिए होता है इसके लिए ना, और थोड़ा ज़्यादा गूंदा हुआ, उसको थोड़ा ज़्यादा नीट करना है आपने ऐसे अच्छे आगे पीछे करके, क्योंकि जो रुमाली रोटी में थोड़ी वो खींची खींची होती है, तो इसलिए। तो ऐसे ही बस अब हम इसको गूंद लेंगे। देखिए कितना अच्छा सारा साथ में आ गया और एकदम सॉफ्ट आटा है। देखिए देखिए, ठीक है, बस ऐसा ही आपने रखना है इसको। अब इसको मैं 2-4 मिनट के लिए और गूंद लेती हूँ। देखिए ऐसे अच्छे से 2-4 मिनट के लिए हम इसको और गूंद लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे करके ऐसे देखिए, ऐसे ना इसमें खुचाव आएगा, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके गूंदना है। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा लगाकर रख दिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी कपड़े से, गीले कपड़े से हल्का सा गीला करके निचोड़ लेना है, उससे ढककर रख देती हूँ। ठीक है, 15 से 20 मिनट बाद हम अपनी रुमाली रोटी बनाएंगे। ठीक है, बस ये है कि इसको गूंदना ज़्यादा है, ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे ज़्यादा करना है, उससे खिंचाव आएगा। तो बस ऐसे हम करते रहेंगे। इसको करने के बाद अब हम इसको ऐसे कर दिया है सब कुछ, अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको थोड़ी देर और गूंद लूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा और गूंद लेंगे हम 3-4 मिनट के लिए, थोड़ा और हम इसको आटे को गूंद लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए और गूंद लिया है। अब मैं एक कटोरी लूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी लूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, आधा चम्मच के करीब नमक डालूँगी और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। देखिए इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। कढ़ाई ली है, इसको उल्टा कर गैस को ऑन पहले कर दिया था, फिर मैंने इसको उल्टा कर रख दिया है इसके ऊपर, गैस के ऊपर, और इसको अब मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी, तब तक मैं अपनी रोटी बेलती हूँ। मैंने एक पेड़ा ले लिया है। ठीक है, ये आप चकरले पे नहीं बना पाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज़ की होती है, तो हम किसी फ्लैट सरफेस पे जैसे स्लैब वगैरह पे ही इसको बनाएंगे। ठीक है, आप मैदा भी लगा सकते हो, जहाँ आटा, जो गेहूं का आटा होता है वो भी लगा सकते हो। अब हम आटा लगाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। ठीक है, पतला बेलेंगे, आराम से बेल जाएगी ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। पतला बेलेंगे हम इसको, देखिए ऐसे, देखिए आराम से बेल रही है। बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे हम, या ऐसे आटे को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा डस्ट कर देंगे और इसको हम ऐसे बेलेंगे। थोड़ा पतला ही रखना है, ठीक है, रुमाली रोटी पतली होती है तो इसको हम पतला पतला ही बेलेंगे। ठीक है, बस बेलते जाएंगे ऐसे आराम आराम से, हल्के हाथ से बेलते जाना, देखिए ऐसे बेलते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बेल दिया है। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको बेल दिया है, देखिए बहुत पतला बेलना है, साइडों से कॉर्नर से भी मोटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आराम से हम इसको बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से उठाकर इसको ऐसे घुमाते हुए अंदर की तरफ रोल करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे रोल कर लिया ना, आराम से फिर उठ जाएगी, क्योंकि बहुत पतली होती है ना तो हाथ से उठाने में थोड़ी मुश्किल होगी, काफ़ी पतला बेलना है इसको। ठीक है, रुमाली रोटी बहुत पतली होती है ना, तो ऐसे हम इसको बेलन से ऐसे ही जैसे मैंने उठाया हल्का सा, और ऐसे देखिए उठाकर उठा लेंगे ऐसे। हमारा नमक वाला पानी है, अब ये हम इसके ऊपर डालेंगे, इससे एकदम से ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी कढ़ाई। ठीक है, देखिए ऐसे नमक वाले पानी को हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, अब हम अपनी जो रोटी है वो, देखिए ये बेलन के साथ जो बेली हुई थी, देखिए ऐसे आराम से लग जाएगी। अब हम इसको आराम से इसके ऊपर ऐसे रोल करते हुए ऐसे लगा देंगे। ठीक है, देखिए आराम से लग गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। साइडों से हम, ये देखिए जहाँ से फूल गई है वहाँ से हम थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, हल्का सा इसको ठंडा होने देते हैं। हम इसको आराम से निकाल लेंगे ये देखिए, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही पका लेंगे। देखिए आराम से पक रही है, अब ये देखिए कितनी अच्छी ऐसी होती है ना रुमाली रोटी। बस ऐसे ही हम इसको हल्का सा सेक लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सीखने में क्योंकि काफ़ी पतली होती है, तो जल्दी सीख जाती है ये वाली रोटी, जाती है ये रोटी, आराम से सीख गई है। देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से हल्की सी कच्ची लग रही है, देखिए यहाँ से भी मैं अच्छे से ऐसे टैप टैप कर दबा कर हल्का सा इसको भी पका लूँगी। आप कोई पूना वगैरह भी ले सकते हो, उसके साथ इसको सेक लो। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए ये वाली मैंने एक सेक दी है, अब मैं आपको एक और बेल कर दिखाती हूँ। मैंने एक पेड़ा ले लिया है, अब मैं इसको भी बेलूँगी, देखिए ऐसे ही पतला पतला बेलना है। ठीक है, काफ़ी पतला ही रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, बस ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है, घर पर आसानी से रुमाली रोटी बन जाती है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती, आराम से आसानी से बन जाती है, बहुत अच्छी भी बनती है, कोई ज़रा दिक्कत नहीं होती। बस उठाने में थोड़ी दिक्कत लगती है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि बेलन से आप उठा सकते हो तो वो आप वैसे ही उठा लेना। ठीक है, और इसको पतला पतला बेलना, इसको भी ऐसे ही लगाकर इसको ऐसे आगे की तरफ कर लूँगी, फिर डालूँगी थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही नमक का पानी डालकर अब मैं अपनी रोटी को इस पर ऐसे डाल दूँगी। देखिए ऐसे आराम से हम इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बन जाती है, थोड़ा सा ये सीख जाए, थोड़ा सा सीखने देंगे फिर हम पलटेंगे। ठीक है, पहले पलट दोगे तो ये चिपक जाएगी, तो इसलिए हल्का सा नीचे वाली साइड से इसको सीखते देना, फिर इसको पलट देना। ठीक है, आराम से, अगर आप हाथ से पलट सकते हो तो हाथ से पलट लो, अगर आपको कम गर्म लगता है, आदत है, तो नहीं तो आप सीपी से पलट सकते हो। इसको पलटा लेती हूँ, देखिए ठीक है,
अब इस साइड से भी सेक लेती हूँ। बस ऐसे ही बनाना, बहुत ही अच्छी आपकी रुमाली रोटी बनेगी। ठीक है, हल्का हल्का पुने से सेकते जाना इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हल्का सा पतला बेलें, मतलब ज़्यादा पतला ना बेलें, फिर ये आराम से आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बेलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको मुश्किल होती है तो आप इसको तभी पतला बेल लें और बाद में बेलन से उठा लें, नहीं तो आप इसको हल्का सा पतला बेलें और फिर बाद में इसको ऐसे हाथ में ऐसे करते जाएं तो ये थोड़ा और खिंच जाएगा और खिंचाव आ जाएगा। ये देखिए, देखिए कितना पतला है, देखिए मेरा हाथ भी दिख रहा होगा आपको। देखिए ऐसे हम इसको करेंगे, देखिए थोड़ा सा पतला रखना था, अब ज़्यादा पतला ना करना, फिर ये आपके हाथ में आ जाएगा। बस ऐसे करके अब हम इसको अपनी कढ़ाई के ऊपर डाल देंगे, इसको अपनी कढ़ाई पे डाल दूंगी, आराम से डाल जाएगा। ऐसे साइड से पकड़ कर, देखिए ऐसे कॉर्नर से पकड़ कर, आराम से ऐसे करके, देखिए थोड़ा सा खींचते हुए ऐसे डालेंगे हम। देखिए ऐसे हल्का सा खींचते हुए इसको हम डालेंगे तो उससे ये और पतली बनेगी। ठीक है, ये देखिए इससे ये और पतली बनेगी, अच्छी बनती है। ठीक है, इसलिए आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत होती है तो फिर आप इसको बेलन से बनाइए। देखिए आराम से पलट भी गई। ठीक है, देखिए अच्छी से फूल फूल कर बन रही है। आप इसको ऐसे हल्का सा ऐसे कर सकते हो, देखिए ऐसे सेक भी सकते हो हल्का हल्का इसको। ये देखिए फूल भी रही है, ये देखिए आराम से अच्छे से मिल गई हमारी, देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए हमारी रोटी बन गई है। मैंने आपको बेलन से भी दिखा दिया कि बेलन से कैसे बना सकते हो और हाथ से कैसे बना सकते हो। बस ऐसे ही आपकी आप भी बनाना, बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एंड थैंक यू एंड बाय।